देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्यस्त है, खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरिका का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण, आचार्य दीदी एवं मेरे से छोटे बड़े भाई और बहनों, महोदय, दर्द हंसे तब बुझने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा व छत्तीसगढ़ में शहीद हुए देश के जवानों के शत विशत अति जले शहरी के टुकड़े और रेत के टुकड़ों को बजाती लाशों के ढेर और कश्मीर की सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं, जिन पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय कहना यह है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश के उग्रवाद व आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडे भी हमसे यह पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल मैं पहराने की जगह ज़्यादा कफन में दफाने का क्यों आ रहा हूँ? महोदय, हृदय तो उस दिन फटाया जब पूरी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देख कर बोली, साहब आप तो भर्ती में एक इंच कम नहीं दे तो मैं यहाँ कादा शरीर कैसे लूँ। महोदय, इन मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए इन उग्रवाद उन आतंकवादों के बंगलों की नाकफन हंसती है और हमारे शहीद हुए हर जवान के आंगन में तुलसी रोती है, जब शहीद हुए देश के जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर बोलती है, साहब प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे ननिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, और साहब आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है लेकिन मेरे घर की दो रोटियाँ ही चली गई। महोदय, सबसे पहले किसी युद्ध को जीतने के पहले पहल करना सबसे आवश्यक होता है, इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम जीतने गए हैं, लेकिन आज हमारे देश के जवान इस कटक बंधे हुए हैं कि उन्हें पहल करने से उनसे पहल करने से डर सता रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी उग्रवादी आतंकवादी राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़ेगी वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना ही पड़ता है कि चाहे किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमें वो समाज छोड़ेगा और नहीं दिल का तार बनाने वाली वो मीडिया छोड़ेगी। महोदय महोदय, किसी भी युद्ध को, किसी भी वीर को दबाव कर युद्ध के मैदान में भेजना एक वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, एक आत्महत्या, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो यह मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो यह मुमकिन नहीं, जो हाथ भरने ऐसे उग्रवाद या आतंकवादों का जीवन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के पथ पर चलकर हमारे देश के जवान उन आतंक उन पत्थर बाजू से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रैफर से निकलने वाली गोली टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी वो 400 मीटर जाएगी वो, और ये भी जानते हैं वो अपनी नौकरी को बचाने के खातिर सोचते हैं कि शाप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। महोदय आज वो चिरागों और हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हुए, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है, अरे हमें तो आज अंतरिक्ष के बुनियाद और आज हमें ही नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। महोदय, हमारी जब महोदय जब एक जब, जब एशियन विश्वविद्यालय में देशद्रोही द्वारा नारा लगाया गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे आज हम शर्मिंदा है, जब सारे मानव अधिकार उसके पक्ष में बोले और हमारे अलावा हमको एक कर दिया, तभी वो देशद्रोही बोला, तुम एकाव मिसल को मारोगे तो हर घर से अब जब निकलेगा तो मैं भारत की बेटी होने के नाते ये ऐलान करूंगी कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जब निकलेगा वह कोख ही पलने देंगे जिस कोख से अब जब निकलेगा, उठो देश के वीर जवानों और सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो। महोदय, आज मैं मेरी वाणी को विराग की तरफ ले जाती हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे अफसोस है इस भारत की न्याय प्रकृति को, पर जहाँ आज भी रात के 12 बजे भी उच्च न्यायालय के गेट उन कसाब जैसे आतंकियों को दरवाजे खोल दिए जाते हैं। महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जहाँ मानवाधिकारों को की दुहाइयाँ देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से सोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के गोर गुहासे को सिर्फ सूरज ही हट सकता है, अटम्बम से रक्षा केवल अटम्बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।